मंगलवार का कारोबारी सत्र भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद मंगल साबित हुआ है। शानदार ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली है और इस तेजी में सबसे बड़ा योगदान आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा और एनर्जी स्टॉक्स का रहा है। आज के सेशन में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी भारी खरीदारी देखने को मिली है। बाजार बंद होने पर बीएसई सेंसेक्स 361 अंकों के उछाल के साथ 81,921 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 105 अंकों की तेजी के साथ 25,041 पर क्लोज हुआ है। आज की तेजी में निफ्टी फिर से 25,000 के आंकड़े के पार जाने में सफल रहा है। बात करें निवेशकों की संपत्ति में उछाल की, तो भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी के चलते निवेशकों की संपत्ति में भारी उछाल देखने को मिला है। बीएसई पर लिस्टेड स्टॉक्स का मार्केट कैप 463.66 लाख करोड़ रुपए पर क्लोज हुआ है, जो पिछले कारोबारी सत्र में 460.17 लाख करोड़ रुपए था। आज के कारोबार में निवेशकों की संपत्ति में 3.49 लाख करोड़ रुपए का उछाल आया है। बात करें चढ़ने और गिरने वाले शेयर्स की, तो बीएसई सेंसेक्स के 30 शेयरों में 22 स्टॉक्स तेजी के साथ, जबकि 8 गिरकर बंद हुए। निफ्टी के 50 शेयरों में 33 शेयर तेजी के साथ और 17 गिरकर बंद हुए। चढ़ने वाले स्टॉक्स में HCL टेक 2.15%, भारतीय एयरटेल 2.10%, टेक महिंद्रा 1.92%, NTPC 1.73%, पावर ग्रिड 1.70%, एक्सिस बैंक 1.40%, TCS 1.21%, टाइटन 1.19%, अडानी पोर्ट्स 1.16% के उछाल के साथ क्लोज हुआ है। वहीं बात करें गिरने वाले शेयर्स की, तो जबकि गिरने वाले में बजाज फिनसर्फ 1.77%, बजाज फाइनेंस 1.45%, HUL 0.81%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 0.68% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं आखिर में बात करें सेक्टोरल अपडेट की, तो आज के ट्रेड में आईटी स्टॉक्स में सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली है और निफ्टी का आईटी इंडेक्स 1.73% की उछाल के साथ 42,644 पर बंद हुआ है। इसके अलावा फार्मा, FMCG, मेटल्स, मीडिया, एनर्जी, हेल्थ केयर और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में तेजी रही, जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। आज के कारोबार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली है। भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी के चलते आज के कारोबार में निवेशकों की संपत्ति में 3.49 लाख करोड़ रुपयों का उछाल देखने को मिला है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।